पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्या बात सताई जा रही है आपको? मिस्टर महाजन, मैं भी आपको एक बात बता दूं कि बिजनेस पार्टनरशिप में सिर्फ बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं ली जाती, जरूरत पड़ने पर पार्टनर के घर को भी लिया जाता है। मिस्टर भानु प्रताप महाजन उस पिलर ऑफ सपोर्ट की तरह हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है। लव यू दादा बाबू। हो सकता है मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूँ, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ सही नहीं है इस लड़की के विषय में। ये हमारी युविका जैसी दिखती जरूर है, लेकिन युविका जैसी रत्ती भर की नहीं है। क्या कभी तुमने हमारी युविका को बड़ों से जबान लड़ाते देखा है? और ये सच पूछो तो विदुर, ये लड़की मुझे मेरी युविका की याद दिलाती है, जिससे मैं और बेचैन हो जाता हूं। इस लड़की का इस घर से जल्द चले जाना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। मैं कहीं नहीं जा रही सुभद्रा जी, तो आप मेरी चिंता करना तो छोड़ दो। ओह कम ऑन, पर्सनली मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ रहो या जापान। इनफैक्ट मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम युविका हो या युक्ति, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। वाओ सुभद्रा जी, मानना पड़ेगा आपने ये प्रूव कर दिया कि आपने महाजन का खून ही दौड़ रहा है। तो क्या करूं मैं? मेरी किस्मत ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए जहां फायदा होता है मैं वहीं चली जाती हूँ। बताओ क्या चाहती हूँ मुझसे? मुझे जो आपसे चाहिए वो ये है कि आप कौन है? Yes, ये रहे महाजन हाउस के पेपर्स। मैंने पिक्चर्स ट्रांसफर कर दिए। गुड जॉब सुभद्रा जी। थैंक यू। वैसे भी इन सब कामों में मैं बहुत माहिर हूं। वैसे तुमने महाजन हाउस के पेपर्स के पिक्चर्स तो मंगवा लिए हैं,
लेकिन इरादा क्या है तुम्हारा ये मुझे नहीं पता। फिर भी एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि दादा बाबू से महाजन हाउस कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी और मौत का फासला जानती हूं मैं सुभद्रा जी, इसलिए मेरे हौसले को नापने की कोशिश मत कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारा हौसला तुम्हें मुबारक, मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। तो एक बात याद रखना, मेरे इंस्टॉलमेंट्स मुझे टाइम पर मिल जाने चाहिए। वैसे भी आजकल बड़ी तंगी चल रही है, डीजे ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे हक के 11% शेयर्स मुझे जल्द से जल्द दिलवा देगा। एज यू नो दादा बाबू जिंदा वापस आ गए, अब उनके रहते मेरे हक के शेयर्स मुझे मिलने से रहे, इसीलिए मेरी सारी उम्मीद बस तुमसे है, तुम ही हो मेरा एटीएम बैंक। तुम वाली सुभद्रा जी, आपकी इंस्टॉलमेंट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दैट्स वंडरफुल। तुम्हारे साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा, अगले इंस्टॉलमेंट पर मिलते हैं। आप मुझे धोखा नहीं देंगी इस बात की क्या गारंटी है? रिलैक्स, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी कोई नहीं मारता। वैसे तुमने महाजन हाउस के पेपर्स की पिक्चर्स मंगवाई हैं, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि तुम कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाली हो, है ना? लाओ लाओ, कोई बात नहीं। वैसे भी बाकी सभी लोगों से मुझे कोई हमदर्दी है ही नहीं, बेटी थी मैं इस घर की, लेकिन मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, कभी मुझे कुछ भी नहीं दिया। जिसने जब चाहा मेरे सामने टुकड़े फेंक दिए, चाहे वो मेरी माँ हो या दादा बाबू, चाहे मेरा भाई हो या भतीजा डीजे, किसी ने भी मेरी कद्र नहीं की, तो फिर मैं उनकी परवाह क्यों करूं? रिश्ते कभी भी एक तरफ से निभाए नहीं जाते। आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्ज है, राइट? मैं वो पूरा चुका दूंगी, और ऊपर से आपको 5 करोड़ और दूंगे। वफादारी के। परफेक्ट। जब तक तुम्हारे इंस्टॉलमेंट्स चलते रहेंगे, मेरी वफादारी भी चलती रहेगी। सच कहूं, मैं पर्सनली यही चाहती हूं कि तुम यही महाजन हाउस में रुक जाओ और दादा बाबू को चैलेंज करो। महाजन हाउस के पेपर्स का इस्तेमाल तुम किस तरह करना चाहती हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगी तो तुम्हें वो तरीका मिल जाएगा जिससे तुम दादा बाबू को चैलेंज कर सकती हो। मेरी बात पर गौर करना। गार्गी, मिस मुल्तानी हैं या चली गई? बेटे अगर हैं तो उसे कहो कि यहां पर आए,
हमें मेहमान नवाजी का आखिरी मौका दे और हमारे साथ नाश्ता करे? आई डोंट थिंक सो दादा बाबू, वो गई है। अगर जाती तो हाउसकीपिंग वाले बता देते। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।